ग्रामीण रैयतों की 5 सूत्री मांग को लेकर ग्रामीण नेता खेमलाल महतो के नेतृत्व में आंदोलन शुरू कर दिया गया है। मुख्य वक्ताओं ने कहा कि बीसीसीएल प्रबंधन हम लोगों की जमीन पर काम कर रही है बिना नियोजन बिना मुआवजा दिए। वहीं परियोजना पदाधिकार के अगल बगल क्षेत्र में डस्ट धूल कण से लोग काफी परेशान हैं। पानी की भी समस्या है जिस पर प्रबंधन पहले पहल करने का आश्वासन दी थी। कई बार वार्ता होने के बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं जिसके कारण बाध्य होकर लोग चक्का जाम आंदोलन शुरू कर दिए हैं। जब तक हमारी समस्या पर ठोस पहल और बात नहीं की जाती आंदोलन जारी रहेगा। सबसे पहले हम लोग कहना चाहेंगे जो भी रैयत है कि हम लोग मुख्य रूप से धरना दिए हैं इस कारण से कि पिछले बार जब हम लोग धरना किए थे तो बीसीसीएल प्रबंधन कितने दिन धरना किए थे पिछले बार? पिछले बार करीब 19-20 दिन आसपास था जिसमें 6/9/2023 था। 6/9/2023 को सीएमडी ऑफिस में हम लोग का वार्ता हुई थी जिसमें सीएमडी सर बोले थे कि ग्रामीणों के ऊपर जो केस हुआ है उसको वापस करें क्योंकि जो केस हुआ है वो धोखा से किया गया था। जब हम लोग आंदोलन में थे तब हम लोग को पता ही नहीं था कि हम लोग के ऊपर केस हुआ है। उसके बाद समझौता कर लेती है, धरना ख़त्म कर देती है, उसके बाद हम लोग का 10-15 दिन बाद पता चलता है कि हम लोग के ऊपर केस किया गया है। तो ये एक तरीके से ठग हुआ, जिस तरह बीसीसीएल ठग की जमीन का काम करती है उसी तरह ठग के धोखाधड़ी से केस कर दिए। उसके बाद जब हम लोग वार्ता में बैठे तब जी सीएमडी सर को और प्रशासनिक अधिकारी जो एसडीओ सर है उनके यहाँ भी हम लोग रखे कि देखिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, आप समझौता कर रहे हैं ठीक है, लेकिन आप समझौता भी कर ले रहे हैं। एक तो ग्रामीण का जमीन हजारों करोड़ का कोड़ करके अरबों का जमीन डैमेज करके ग्रामीण के ऊपर ही केस कीजिएगा, ग्रामीण ही कोर्ट का दरवाजा न्यायालय, जबकि ग्रामीण के पास पैसा उस टाइप का नहीं है कि वो कोर्ट कचहरी में दिन पार करे। आप एक कंपनी है, आपके पास फाइनेंस डिपार्टमेंट है, लीगल डिपार्टमेंट है, ग्रामीण के पास कौन सा डिपार्टमेंट है कि वो न्यायालय जा करके न्याय मांगे? वो ऑलरेडी उसके पास उतना लीगल का नॉलेज भी नहीं है कि वो जा करके फाइट करे कि कैसे न्याय लेना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो पुलिस को देख के ही डर जाती है। तो मेरा कहना है कि आप एक तो 3 फीट जो इतना बड़ा पैच था उसका पैसा नहीं दिए हैं, बकायदा आरटीआई रिपोर्ट है, आप 4 पैच चलाएं उसका पैसा नहीं दिए, उसका बकाया है, सारा बकाया होने के बावजूद भी आज C2 मेगा जो प्रोजेक्ट है वो चालू कर दिए, और इसमें भी आप भौरा 12 नंबर 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर जो भी एरिया इसमें आता है, 6 नंबर हो गया, इधर बाजार हो गया, किसी का भी शिफ्टिंग किए नहीं है, जबकि मेगा में सारा आता है, किसी का भी शिफ्टिंग नहीं किए हैं, किसी का ज़मीन का पैसा नहीं दिए हैं और बस गुंडागर्दी से माइंस चालू कर दिए हैं। तो हम लोग रैयत यही चाहते हैं कि आप कब तक मतलब गुंडागर्दी से माइंस चलाते रहिएगा। जो मुआवजा का प्रोविज़न है, जो एलएक एक्ट के तहत जो कानून है उसके तहत सबको मुआवजा दीजिए और उसके बाद माइंस चलाइए। हम लोग माइंस चलाने के विरोधी नहीं है, मेरा ना ही बीसीसीएल से पर्सनल दुश्मनी है ना ही एलवी सिंह से पर्सनल दुश्मनी मेरा नहीं है। हम मेरा स्पष्ट यही कहना है कि आप लोग वार्ता किए थे कि आपको जो मुआवजा नहीं मिल रहा रैयत को वो हम लोग दिलवाएंगे, लेकिन फिर अचानक जब धरना ख़त्म होता है उसके बाद आप लोग ये रोड वाला देखिए, रोड वाला मांग ये लोग रखे थे, रोड वाला को भी लेकर के ये लोग बोले थे कि 1 सप्ताह में प्रपोजल बन के मुख्यालय जाएगा उसके बाद आपका रोड बन जाएगा, लेकिन फिर वही ये लोग ठगते गए। 4 पेज जब स्टार्ट हो रहा था तब हम लोग का रोड कटा था, अब 4 पेज का टेंडर ख़त्म होने वाला अभी तक रोड नहीं बना। तो आप समझ सकते हैं कि बीसीसीएल प्रबंधन किस तरह ग्रामीण को रैयत को ठगती है और ठग के अपना माइंस चला रही है। तो आप आखिर कब तक मैंने रैयत को ठगने का काम कीजिएगा? दूसरा सबसे बड़ा बात है प्रबंधन का बात, अगर प्रशासन का बात, प्रशासन एक तरफ से अलग तरीके से धमकाएगी, केस कर देंगे, जेल भेज देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, प्रबंधन का अलग ये रहता है कि मजदूर का भूखा मर जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ग्रामीण जो रैयत है उनका अलग डिमांड रहता है कि माइंस बंदी किया, 2 दिन बंदी किया, पता नहीं क्या बात किया, पैसा लेके उठ गया। अब एक जो लीडर होता है उसको हर एक चीज़ झेलना पड़ता है, लेकिन जो ग्रामीण है या जो प्रबंधन है या जो ये है इनको वो चीज़ से मतलब नहीं है। प्रबंधन है उनको प्रॉफिट चाहिए, ग्रामीण है उनको समाधान चाहिए, लेकिन ये लोग करने के लिए दोनों एक दूसरा से मैंने लगता है कि 36 का आंकड़ा काम ये लोग कर नहीं रहा, ये लोग बस झांसा दे रहा है। तो अब की बार हम लोग सोचे हैं कि बीसीसीएल प्रबंधन ग्रामीणों के साथ न्याय करे और इसी को लेकर के हम लोग आंदोलन किए। अनिश्चित अनिश्चितकालीन है, धरना अनिश्चितकालीन है, जब तक
पॉजिटिव वार्ता नहीं होती है तब तक हम लोग धरना चले। कौन सा बैनर तले आप धरना दे? बैनर पढ़ो और लड़ो का है, हेमलाल महतो किसान नेता।